तेरा हिमालय आकाश झूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। आज़ादी ऐसे ही थोड़ी मिल गई आज़ादी, हजारों गोलियां चल गईं, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत माँ के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लटाए गए, तो कभी अंडमान की सेलुलर जेल में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी, ऐसे ही थोड़ी मिल गई आज़ादी। ये जो 15 अगस्त है ना, यहां तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 15 अगस्त 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर तिवारी आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार ली थी। 15 अगस्त 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुआ है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस के तोड़ दिया था। ये 15 अगस्त 30 जनवरी की कीमत पर मिला है, जब बापू ने हे राम बोल के हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही हैं ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोलकें बजाएंगे, जश्न मनाएंगे, जो लौट के घर न आए आज उनकी याद में गाएंगे। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम लिए हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, पहले दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश, पहले है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश, पहले दुनिया के सारे सुख पीछे है देश पहले। आए सरहद से खबर तो जश्न करना साथियों, वीरता का धर्म है माटी पे मरना साथियों। जब है तिरंगे का कफन तो मौत का क्या गम, तेरे आसमां पे चंद्रमा हरदम रहे कायम, झुकने नहीं देंगे कभी मां शीश तेरा हम। आंचल तेरा रहे मां रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो वो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी
धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। एक थे विंस्टन चर्चिल, हमारी गुलामी के दिनों में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। बड़े गुरूर से कहते थे, जिस दिन हम इंडिया को आजाद करके वापस आ गए, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, भूख से तड़प के मर जाएगा। बात हमें बुरी तो लगी थी, लेकिन हम चुप रह गए, क्योंकि जवाब देने का काम हमने वक्त को दे रखा था, और वक्त ने हमें मायूस नहीं किया। स्पेस की उड़ान से खेल के मैदान तक हर जगह हमने जवाब दिया। 47 का बदला हमने 83 में चुकाया। उन्हीं के देश में, उन्हीं की नाक के नीचे हमारे पंजाब का एक गबरू जवान अपने साथियों के साथ क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लाया। और अभी कुछ दिनों पहले इकोनॉमी की रेस में भी हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिखाया। जब दुनिया ने कहा अब मुमकिन नहीं कि भारत महाराणा प्रताप वाला शौर्य दोहराए, तो हम भाला फेंक के ओलंपिक से गोल्ड उठा लाए। हम गहराई के कायल हैं, रफ्तार के नहीं, लेकिन किसी ने हमारी स्पीड पर उंगली उठा दी तो हमने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। हम वेदों पुराणों की भाषा बोलते हैं, पर क्वांटम फिजिक्स भी हमें बराबर आता है। कभी वक्त मिले तो डेटा चेक कर लेना, हमारी सैटेलाइट्स का रिमोट सेंसिंग पावर अमेरिका से ज्यादा है। 75 साल पहले लोग हम पे तरस खाते थे, कहते थे महामारियों में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है। आज देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भारत है। और हमारा टेक इनकलाब तो देखो, जब यूरोप और अमेरिका वैक्सीन की पर्ची काट रहे थे, हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स बांट रहे थे। हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है, टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो चमकने और दहकने की तैयारी है। नोट करके रख लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, 21वीं हमारी है। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे, जब तुझ पे आंच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलते रहे बेखौफ हवाए, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए नामा जो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। क्यों कोई सिपाही मौत से टकराता है, क्यों वो देश के लिए अपनी जान पे खेल जाता है? हम लोग जो ना उसके अपने हैं, ना दोस्त, ना यार, ना रिश्तेदार, क्यों वो हमारे लिए अपने सीने पे गोलियां झेल जाता है? इस क्यों का जवाब छुपा है उस शपथ में जो भारत का फौजी वर्दी पहनते हुए उठाता है। सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा, गौरव और हित, फिर अपने साथियों की सुरक्षा, गौरव और हित, और अंत में अपनी सुरक्षा, अपना गौरव, अपना हित। भारत पहले, भारत माँ का आदेश पहले, सिपाही होने की शर्त है देश पहले। आज हम भी अपने करोड़ों वीरों के नाम पर शपथ लेते हैं कि हमारा पहला धर्म है राष्ट्र धर्म।
हम बंदूकें नहीं उठा सकते, लेकिन हर गिरते हुए को सहारा देके उठाएंगे। हम देश के लिए प्राण देके तिरंगा नहीं ओढ़ सकते, लेकिन जो भी कड़कती हुई ठंड में बेघर बेलिबास मिला उसे एक कंबल जरूर उड़ाएंगे। हम बर्फीली चोटियों पर खड़े होकर पहरा नहीं दे सकते, लेकिन शपथ लेते हैं कि थिएटर में राष्ट्रगान बजेगा तो जरूर खड़े होंगे। हमारे ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु और गॉड सबको नमन, लेकिन हमारी नजर में देश पर मर मिटने वाले सबसे बड़े होंगे। हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा, हर धर्म ग्रंथ से बढ़ के हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारे दिल में हिंदुस्तान रहेगा। ए मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। ओ रांझड़ावे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।